जिले इंतजामिया लाहौर के अफसरान गिरां फरोशी पर मुतहर्रिक असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मर्जिया सलीम के दौरे फील्ड में इन एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मर्जिया सलीम ने आरे बाजार सदर पीएएफ मार्केट का दौरा किया, प्राइस चेकिंग की गई और स्टोर को गवर्नमेंट की जानिब से जारी कर 250 पर अमल दरामद न करने और सब्जियों और फलों को जायद कीमत पर फरोख करने पर सील कर दिया गया है। इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद है मलिक आयान। मलिक आयान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जिले इंतजामिया लाहौर के अफसरान गिरां फरोशी पर मुतहर्रिक असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मर्जिया सलीम के दौरे फील्ड में इन एक्शन है। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मर्जिया सलीम ने आरे बाजार सदर पीएएफ मार्केट का दौरा किया। इसके हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मलिक आयान। मलिक आयान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, डीसी लाहौर दानिश अफजाल ने तमाम एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को और असिस्टेंट कमिश्नर को हदायत जारी की है कि ग्राम फरोशों के खिलाफ मुतहरक रहें। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील कैंट मर्जिया सलीम ने आरे बाजार सदर पीएएफ और डिफेंस का दौरा किया है। सरकारी नर्सों पर अमल दरामद को चेक किया गया, फलों सब्जियों और मटन की कीमतों में अवर चार्जिंग पाई गई, जिसके ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मर्जिया सलीम ने अवर चार्जिंग पर कैरी फोर स्टोर को डिफेंस में 1,00,000 रुपए का जुर्माना जबकि दीगर स्टोर को 15,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट का कहना था कि डीसी लाहौर दानिश अफजाल की खसूसी हदायत है कि जहां पर प्राइस लिस्ट अवेजा नहीं है और जायद कीमत वसूल की जा रही है, इनके खिलाफ आपका। We'll be right back.